हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए हैं जो कि 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट के कगार पे है, कंप्लीट हो रही है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ये देखिए लिफ्ट लगा हुआ है, लोग इस बिल्डिंग में रहना स्टार्ट कर दिए। यहाँ देखिए एक सीढ़ी का एरिया हो गया। G+4 की बिल्डिंग है जिसमें आपका ये 3 BHK का फ्लैट है। ये देखिए आपका कॉरिडोर का एरिया हो गया। 1435 स्क्वायर फीट में 3 BHK का फ्लैट है, क्योंकि वल्ली 62 लाख रुपया में आपका होने जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 70 फीट बाईपास में पड़ता है। ये देखिए आपका यहाँ पे कॉरिडोर का एरिया हो गया। यहां से आपका फ्लैट की एंट्री होती है। ये आगे में आपका सुबह स्टैंड वगैरह के लिए स्पेस दिया हुआ है और ये ड्राइंग हॉल का एरिया है। ये देखिए ड्राइंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो 14x10 का आपका ड्राइंग हॉल है जो कि बिल्कुल सेपरेट ड्राइंग हॉल है। देखिए यहाँ पे दरवाजा भी लगा हुआ है ऑलरेडी। ये सेपरेट ड्राइंग हॉल का एरिया है जो कि आपका 14x10 का है और यहाँ पे आपका कुछ कॉमन स्पेस दिया हुआ है छोटा हुआ। यहाँ पे आप ऑटो वगैरह का भी काम करवा सकते हैं। और ये देखिए ये आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है। डाइनिंग हॉल के स्पेस की बात कीजिएगा तो 17x8 का आपका डाइनिंग हॉल है, सॉरी 17x8.5 का आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है। बिल्कुल ही स्पेसियस और आपका लंबा डाइनिंग हॉल है। ये देखिए ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। फिनिशिंग का वर्क चल रही है, टाइल्स लग चुका है, दरवाजा भी ऑलमोस्ट लग चुका है। और ये देखिए ये आपका किचन का एरिया हो गया। किचन की साइज की बात कीजिएगा तो 8x6 का आपका किचन है। और ये आपका पहला बेडरूम हो गया। बारह बाई ग्यारह का आपका ये बेडरूम है, बिल्कुल ही स्क्वायर में ये बेडरूम है। ये देखिए इसके साथ विंडो है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये फ्लैट है आपका। और ये देखिए ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया, 12x10 का ये बेडरूम है। इसके साथ एक बालकोनी का एरिया हो गया। ये देखिए और ये 100% रेसिडेंशियल एरिया में। ये देखिए पटना जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और सरिस्ताबाद बाईपास से मात्र आपका 800 मीटर का डिस्टेंस पे है। जस्ट यहां से 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपका पटना डोभी नया फोर लेन जो बनी है वो है। आपका 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका नथुपुर गोलंबर है और वहीं से पटना बक्सर फोर लेन निकल रही है। सिपारा बाईपास जो है वो जस्ट बगल में आपका यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी है यहाँ से। ये देखिए ये आपका तीसरा बेडरूम हो गया जो कि आपका मास्टर बेडरूम हो गया।
मास्टर बेडरूम के साथ आपका एक कवर बालकोनी है और ये आपका टॉयलेट का एरिया हो गया। और ये मास्टर बेडरूम के साथ एक सेपरेट दरवाजा है जो कि आपका डायरेक्ट बाहर की ओर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दूसरा सीढ़ी का एरिया हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आप बाहर निकलते हैं। तो आप इसको दो अलग सेपरेट कर सकते हैं, 1 BHK का अलग फ्लैट और 2 BHK का अलग फ्लैट कर सकते हैं। किन्हीं को रेंट आउट करना है तो 1 BHK का फ्लैट आप रेंट पे भी लगा सकते हैं। 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ यह फ्लैट है। जब भी आपने देखा है वीडियो क्लास तक बने रहे, अभी आप जस्ट आपको हम पार्किंग का एरिया दिखाने जा रहे हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए ये पार्किंग का एरिया हो गया। ये मेन आपका एंट्रेंस गेट हो गया, ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, बोरिंग किया हुआ है। और ये देखिए ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आपका पार्किंग का एरिया है। इस अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, कुछ फैमिली रहना चालू कर दिए हैं। ये आपका एक लिफ्ट का एरिया हो गया यहाँ पे, ये सीढ़ी का एरिया हो गया। दूसरा लिफ्ट का एरिया ये हो गया, एक लिफ्ट लग चुका है, एक बाद में लगेगी, और एक सीढ़ी का आपका एरिया यहाँ पे हो गया। और ये पूरा का पूरा एरिया आपका पार्किंग का एरिया है। तो जिनको भी इस लोकेशन में फ्लैट परचेज करना है, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, साइट विजिट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।